हम सीमेंट सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं, तो इसके लिए हम इंजन के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे डिस्कवर ऑप्शन पे आने के बाद इंस्टा ट्रेड के ट्रेड नाउ बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली आपको सर्च ऑप्शन में जाके जो स्टॉक को सर्च करना है, यहाँ पर हम सर्च ऑप्शन पर आते हैं और उस स्टॉक को सर्च करते हैं। स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो हम यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक आ जाता है, यह एक फ्यूजन ऑप्शन से बिलोंग करती है कंपनी। अगर यहाँ पे केस का एनालिसिस करना है तो केस के स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। फ्यूचर का एनालिसिस करने के लिए नीचे आपको तीन कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, ऑप्शन का एनालिसिस भी हम यहीं से कर सकते हैं। तो सिंपली हम पहले यहाँ पे केस का एनालिसिस करते हैं, इसके बाद फ्यूचर के स्टॉक पे आएंगे। तो हम देखते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक ने जो आज रेंज ब्रेकआउट दिया है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो वो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली एक ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, उसके आधार पर यहाँ पर पोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए टूल ऑप्शन पर हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ करने के लिए सोचेंगे। हम यहाँ पे सिंपली एक ट्रेंड लाइन को यूज़ करने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे टूल ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ ट्रेंड लाइन को हम लगा लेते हैं, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमको ट्रेंड लाइन मिल जाती है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, कलर इसका थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। और ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए इसका जो हाई पॉइंट है इसके ऊपर हम एक पॉइंटर को यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर देंगे नीचे की ओर। पूरा जो कैंडल के हाई पॉइंट है इसको हमको मेज करना होता है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमको देखने को क्या मिलता है कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट का जो स्टॉक है इसने कई बार क्या किया कि ये इस पॉइंट का कई बार इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक नीचे आ गया है, दोबारा इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर स्टॉक नीचे आया, आपकी बात जो इसने रेजिस्टेंस लिया तो इसके ऊपर स्टॉक निकला है। तो इसके ऊपर स्टॉक निकलने के बाद हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे देखने को मिलती है। इसके ऊपर हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो हमारे सामने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इसको भी डार्क कर देते हैं ताकि लाइन अच्छे से थोड़ा गाढ़ा लगे। और इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंटर को यहाँ पे लेके आएंगे क्योंकि हमें इस कैंडल के लो पॉइंट को यहाँ पे मैच करना है और हाई पॉइंट को मैच करना है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लग जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने एक जो क्लोजिंग दी है आज अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक ने, इसने रजिस्टेंस के आसपास आके क्लोजिंग दी है। अब ये जो 7153 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट इस लेवल को यहाँ से निकालता है तो वो हम इसमें आगे के लेवल को देख सकते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट का ये रेजिस्टेंस लेता है तो हमको वापस अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक में हमको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को हम इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप ट्रेंड के लिए। इसमें जो अगर हम अगले रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं तो अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है, अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, यहीं पर हम इसको लेके आते हैं और यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को दोबारा से एक ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना चाहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं और इसका कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे जो इसका अगला रेजिस्टेंस लेवल अगर हम यहाँ लगाने के लिए सोचे तो इसके ऊपर हम यहाँ पे पॉइंटर को लेके आएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने लग जाता है। यानी कि जो अब इसका अगला रेजिस्टेंस का लेवल बनते हुए नज़र आता है ये 7290 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका देखने को मिलता है ये नीचे की ओर, ये वाला जो 7000 के आसपास का जो प्राइस है हमको ये देखने को मिलता है। तो इन लेवल के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर सिंपली हम यहाँ पे फ्यूचर का एनालिसिस करना चाहते हैं तो फ्यूचर के ऊपर यहाँ पे हम सर्च ऑप्शन में जाके फ्यूचर का इसी प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम ऑप्शन का प्रोडिक्शन करना चाहते हैं तो हम ऑप्शन चेन को हम यहीं से प्रोडिक्ट करेंगे। और अगर हमको लगता है कि मार्केट हमको अपसाइड में जाता है वो दिखाई देता है तो इसका जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम देख सकते हैं। और अगर हमको मार्केट यहाँ से डाउन वर्ल्ड में लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है रेजिस्टेंस लेके, तो हम यहाँ पे 7200 के पुट ऑप्शन को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर अगर कॉल साइड में अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो 115 रुपए के ऑप्शन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी ऑप्शन ने अच्छा खासा यहाँ पे एक अपट्रेंड का मूव बनाया हुआ है। और इसको अगर हम बाय करना चाहते हैं तो इसकी बाय बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक लॉट में इसकी 100 क्वांटिटी आती है, तो यहाँ पे हम 1 टाइप करते हैं और इसमें जो प्राइस 115 का है तो 115 के साथ इसमें 11500 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है। सिंपली बाय बटन पे प्रेस करना होता है। एक बार पोजीशन बाय होने के बाद हमारे सामने इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमको सेम विंडो पर देखने को मिलता है। हम यहाँ पर ऑर्डर का मॉडिफाई कर सकते हैं, चार्ट का एनालिसिस हम सेम विंडो पर कर सकते हैं और हम अपनी पोजीशन को यहीं से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेम विंडो पर हम अल्ट्राटेक सीमेंट का
कॉल एंड पुट का एनालिसिस भी कर सकते हैं, फ्यूचर का एनालिसिस कर सकते हैं, कैश का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंपली हम इंस्टा ट्रेड का यूज़ करके हम अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द एक लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को स्टॉक बाय एंड सेल करने की कोई भी एडवाइस नहीं है। तो इस वीडियो को आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।